हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, साउथ वेस्टर्न रेलवे द्वारा अप्रेंटिस के लगभग 3000 से अधिक पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 3 नवंबर 2021 है और इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप 4 अक्टूबर 2021 से फिल कर सकते हैं। अगर पोस्ट नेम की बात करें तो इसमें डिवीजन वाइज पोस्ट निकाली गई है। हुबली डिवीजन में आपकी फिटर की टोटल 101 वैकेंसी है, वेल्डर की 5 वैकेंसी है और इलेक्ट्रीशियन की 76 वैकेंसी है। रेफ्रिजरेशन तथा एयर कंडीशनर मैकेनिक की 16 वैकेंसी हैं और प्रोग्रामिंग तथा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट इसकी टोटल 39 वैकेंसी हैं। हुबली डिवीजन में टोटल 237 वैकेंसी हैं। इसी तरह कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हुबली में टोटल 217 वैकेंसी, जिसमें फिटर, वेल्डर, मैकेनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर और पेंटर की वैकेंसी है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग तथा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके अलावा बेंगलुरु डिवीजन में टोटल 230 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें फिटर की वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन जनरल की वैकेंसी है, फिटर की वैकेंसी है, फिटर कैरेज तथा वैगन और प्रोग्रामिंग तथा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की वैकेंसी है, वेल्डर और फिटर की वैकेंसी है। मैसूर डिवीजन में टोटल 177 वैकेंसी, जिसमें फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और प्रोग्रामिंग तथा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट तथा स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। और सेंट्रल वर्कशॉप मैसूर के लिए टोटल 43 वैकेंसी है, जिसमें फिटर, टर्नर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर तथा प्रोग्रामिंग और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका सिलेक्शन इसमें मेरिट के आधार पर होगा और मेरिट जो है आपकी ITI के नंबर्स पे बनाई जाएगी। इसमें क्वालिफिकेशन जो है ITI है। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस पोस्ट में आपको ITI पास होना चाहिए। इसमें 10th के 50% नंबर जोड़े जाएंगे और उसके अलावा ITI के 50% नंबर जोड़े जाएंगे, उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज जो है 15 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ₹100 एप्लीकेशन फीस है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो जो लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया, आप उस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही बता दें, अनअकैडमी द्वारा UPSC सिविल सर्विस एग्जाम 2021-22 और 23 की तैयारी करने वालों के लिए नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। ये बैच जो है 1 ईयर बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं, इसके साथ साथ 2 ईयर बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। इस बैच में प्रीलिम्स और मेंस का सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। इसके अलावा प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी और ये बैच जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार इनको ज्वाइन कर सकते हैं। चूंकि UPSC द्वारा सिविल सर्विस एग्जाम्स प्रीलिम्स की डेट जारी कर दी गई है, आपका 2022 का प्रीलिम्स 5 जून 2022 को होगा, तो अनअकैडमी द्वारा नया प्लान लॉन्च किया गया है, जिसमें 7 महीने आपकी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवाई जाएगी एकदम स्टार्टिंग से। उसके साथ साथ अगले 2 महीने जो है प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी और रिविजन करवाया जाएगा। उसके बाद 5 जून को आपका पेपर होगा और 10 जून से आपका मेंस का रिविजन कराया जाएगा और टेस्ट सीरीज करवाई जाएंगी और 16 जून को आपका मेंस का एग्जाम है। तो जो लोग UPSC सिविल सर्विस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं, वो अभी से इसका प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लें। इसके साथ ही अगर आप 2 साल का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद SR ADDA कूपन कोड यूज करें, जिससे आपको 10 से 15 हजार तक का मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ ही जिन लोगों के पास पैसे नहीं है और लोन लेना चाहते हैं तो आप लोन ले सकते हैं। ये लोन आपको 0% फीस पे बिना किसी ब्याज के आपको मिलेगा। 2 घंटे में आपको अप्रूवल मिल जाएगा और कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पड़ेगा, तो आप कम से कम पेपर वर्क में जो है ये लोन ले सकते हैं। तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है। और इस लोन में आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा अगर आप SR ADDA कूपन कोड यूज़ करेंगे। और इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।